आज हमने अपनी पहली जनसंपर्क यात्रा स्टार्ट की है और मैं बड़ा उत्साहित हूँ। मेरे साथ B1 ब्लॉक की समस्त RWA, समस्त निवासी, और ना सिर्फ मुझे समर्थन मिल रहा है, केजरीवाल की आपने देखा होगा जो अनीतियाँ हैं, पेंशन रोक रखी है लोगों की। अभी वो चोपड़ा साहब के घर पे थे, उनकी घर से कहा गया कि हमारी पेंशन क्यों रोकी हुई है केजरीवाल ने। जब केजरीवाल के कार्यकर्ता इन गलियों में वोट मांगने आएंगे तो उन्हें इन सवालों का जवाब देना होगा कि हमें साफ पानी चाहिए था, आपने शराब क्यों दी, हमें अच्छे रोड चाहिए थे, आपने गड्ढे क्यों दिए, हमें शुद्ध हवा चाहिए थी, आपने ये पॉल्यूशन क्यों दिया। और बात करते थे पराली की, अब पंजाब के अंदर पराली जलती है, आपकी सरकार है कहाँ है। तो ये झूठे वादों की सरकार, बरगलाने वाली सरकार, कम से कम B1 ब्लॉक के लोगों ने तो आज पूरी तरह से नकार दी है। और मैं आशा करता हूँ कि B1 ब्लॉक का एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं जाए। मैं पार्टी के समस्त नेताओं का, वरिष्ठजनों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और ये आपके माध्यम से है, वादा करता हूँ कि मैंने पिछले 5 वर्ष में अपने कामों से लोगों का दिल जीता है, अब पुनः विश्वास जीतूंगा। मोदी जी से आशा करता हूँ, इन्होंने पहले भी हमारे ब्लॉक का बहुत उद्धार करवाया, लेकिन केजरीवाल की सरकार में इनकी कुछ चलने नहीं पाई। आज ये हमारे ब्लॉक से जो पूरा बहुमत मिलेगा और जीत के आएंगे और अच्छे काम कराएंगे। प्रमोद गुप्ता जी को हम B1 ब्लॉक से ये आश्वासन देते हैं कि आपकी पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ी जीत होने वाली है। केजरीवाल जी ने जो हमारे साथ और निगम के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत गलत व्यवहार हुआ है, बजट नहीं दिया है, ये लोग इनको पंगू बना के रखा।